नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। मेरा नाम सूर्या है और मुंबई की ठंडी ठंडी बारिश में, रिमझिम बारिश में मैं आपको तड़कता भड़कता थर्ड डे का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन अब बताना चाहता हूँ। मेरी राय इस फिल्म को लेकर बताना चाहता हूँ कि तीसरे दिन क्या होगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, जितने भी तुरम खा थे, जितने भी बड़ी वेबसाइट थे, जितने भी यूट्यूबर्स थे इंक्लूडिंग मी, किसी का इलेक्शन प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग थी कि डाउट था कि 4 से 5 करोड़ की रेंज में आए कलेक्शंस, लेकिन लगा कि नहीं यार इतना कम तो नहीं होगा। हम लोग अक्षय कुमार के स्टारडम को देख रहे थे, लेकिन हम ये भूल गए थे कि फिलहाल सिचुएशन, फिलहाल थिएटर्स की जो बैंड बजी हुई है उसके बारे में, तो हम है ना 1.5 साल से बंद थिएटर, उसके बारे में हम भूल गए थे। या पब्लिक थिएटर्स में क्यों जाएगी और इस सिचुएशन में इतने डर में क्या जाएगी भी, ये सब चीजें आई थिंक समझना बहुत जरूरी था। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे पहले की वीडियो आगे बढ़ू, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करेगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना ना भूलेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि बेल बॉटम के कलेक्शंस को लेकर जरा भी टेंशन में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी फिल्म को 900 के आसपास स्क्रीन्स मिले और उसको में 50% ऑक्यूपेंसी सिर्फ थिएटर्स में अलाउड हो, और उसके बाद कोई फर्स्ट वैक्सीन अगर लिया होगा तो ही अलाउड होगा, या दोनों डोज लिया होगा तो ही अलाउड होगा, या कुछ थिएटर्स में फिल्म रिलीज ही नहीं हुई होगी, कुछ थिएटर्स में इवनिंग शोज के बाद बंद ही हो गया, कुछ शहर में संडे को अगर लॉकडाउन है और नाइट शोज है, जब इस तरह का रेस्ट्रिक्शन किसी फिल्म के साथ है, महाराष्ट्र सर्किट ओपन ही नहीं है या कुछ और स्टेट्स ओपन ही नहीं है, तो आप कलेक्शंस क्या उम्मीद करोगे। तो इस वर्स्ट फेज में मैं तो कहूंगा बॉक्स ऑफिस से अगर थोड़ी बहुत भी कमाई हो रही है 1 करोड़ 2 करोड़ की तो भी मैं खुश हूं। मैं इतना खुश हूं तो भी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि 1.5 साल के लगभग लंबे अंतराल के बाद कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड प्राउड रेदर देन अपसेट ओवर की स्टारडम, अक्षय कुमार के स्टारडम की जो लोग बात कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा फिल्में किसने ऑलरेडी साइन करके रखी है बॉलीवुड में, बताइए। ये दूसरी बात ये बताइए कि कौन सबसे ज्यादा फिल्में अनाउंस किया है और कौन सबसे हार्ड वर्किंग बंदा है, शूटिंग कर रहा है अपनी फिल्मों की फटाफट, या दर्जन भर फिल्में किसके पास है, तो आपके पास एक ही नाम आएगा। जब इतनी फिल्में हैं, इतने लोग साइन कर रहे हैं, इतने लोग उसे अपनी फिल्म लेना चाहते हैं, इसका मतलब उसका डिमांड है ना, तो वो इस सीन है। तो इसलिए इस पे जो लोग ट्रोल करे करने दीजिए, कलेक्शंस को लेकर कर दे, किसी चीज को लेकर कर दे करने दीजिए। मुझे क्या लगता है ना, इतनी भी नेगेटिविटी करने की जरूरत नहीं थी जितनी की जा रही है फिल्म को लेकर। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं ना सलमान का फैन हूं, ना अक्षय का, ना आमिर का, ना शाहरुख का, ना अजय का, मैं फिल्मों का फैन हूं। और कोई फिल्मों की धज्जियां उड़ाना चाहता है, चाहे वो राधे हो, सूर्यवंशी हो, बेल बॉटम हो, या कोई भी फिल्म हो, तो उधर मैं बोलता हूं। लेकिन मैं स्टारडम को फॉलो नहीं करता हूं जिसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, मैं फिल्मों को फॉलो करता हूं। फिल्मों की कोई बिना मतलब की धज्जियां उड़ाता ना, तो उधर मैं बोलता हूं। सो यहां पर बेल बॉटम फिल्म थिएटर्स में लोग देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर एक फिल्म को इस बुरे वक्त में आई जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसका विरोध तो मत करो। कल मैं बहुत ही प्राउड फील किया जब आइनॉक्स सिनेमा हो, पीवीआर हो, इन सबने कहा कि किसी एक्टर में इतना दम नहीं है जितना अक्षय कुमार में, जो अपनी फिल्म कोरोना काल में रिलीज किया। आइनॉक्स वाले ने तो क्या कमेंट किया था अपने ट्विटर पर, उसने कहा कि पूरे थिएटर वालों के लिए, पूरे बॉलीवुड के लिए अकेला जो बंदूक की गोली सही है वो अक्षय कुमार ने सही है, सल्यूट टू अक्षय कुमार। तो ये है रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है दोस्त मेरे, ये रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। कैनेडियन भगोड़ा या इस तरह के ट्रोल करके कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट द रिस्पेक्ट किसने दिया है, कैनेडा के थिएटर ने दिया, इंडिया के थिएटर ने दिया है, समझ रहे है? तो दिस रिस्पेक्ट नीड्स टू बी अर्न, एंड अक्षय कुमार ने वो रिस्पेक्ट, वो चीजें बिल्कुल जी है। अक्षय कुमार फिलहाल एक मसीहा है, एक भगवान की तरह है उन थिएटर मालिकों के लिए जो 1.5 साल से लगभग बंद पड़े हैं। भाई मेरे, कल मैं खुद विजिट किया जब ना सिटी मॉल, और वहां पे इन्फिनिटी मॉल, वहां पे देखा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बंद है, बड़ी बड़ी चीजें बंद है, हर चीज बंद है, पीवीआर बंद है, सिनेमाज बंद है। यार
किस तरह से उनकी दूसरी ड्यूटी इस बुरे माहौल में चलती होगी, घर पे छह छह आठ आठ महीना एक एक साल लोग बैठे हुए कैसे वो गुजारा करते होंगे। और अक्षय कुमार ने उन सबको एक जान दी, एक हिम्मत दी कि हाँ मैं थिएटर में अपनी फिल्म लेके आ रहा हूँ, जो भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। दोस्त मेरे, अगर ये चीजें जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप अक्षय कुमार को सैल्यूट करोगे, उस दिन आप बेल बॉटम फिल्म को सैल्यूट करोगे, डिस्पाइट जो भी रिव्यूज आ रहे हो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि सबसे पहला कोरोना काल में थिएटर में अपनी फिल्म रिलीज किया किसने, अक्षय कुमार ने, और वो कौन सी पहली फिल्म थी, बेल बॉटम थी। मुझे इससे फर्क पड़ता है। और कोई माइका लाल एक्टर है जो बड़ी बड़ी ट्रोलिंग करता है या उनके फैंस है, तो आइए फिल्म रिलीज करिए, अगस्त में करिए, सितंबर में करिए, दम है तो अक्टूबर में करिए, आइए फिल्म रिलीज करिए। मैं आपकी फिल्मों का, आपके स्टार्स का हमेशा सपोर्ट करता आया हूँ, सभी का हमेशा करूंगा, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो चाहे जो भी हो। लेट्स कमेंट कम रिलीज द फिल्म ना, दम है तो रिलीज करके दिखाओ फिल्म। सो फालतू का बैश करने से कोई मतलब नहीं, कलेक्शंस कंपैरिजन करने से कोई मतलब नहीं, दिस इज द टफ सिचुएशन एज आई सेड, सपोर्ट फिल्म इंडस्ट्री। एनीवेज काफी कुछ आई थिंक बोल दिया, जिसको बुरा लगा होगा उसके हाथ जोड़ के सॉरी। और दूसरी बात, इसका प्रेडिक्शन मैंने अभी तक दिया नहीं थर्ड डे का, वो आपको देख के इस वीडियो को एंड करता हूं। बाकी आप लोग समझदार है, ये छोटी मोटी है ना फाइट में मत पड़िए, सपोर्ट फिल्म्स रादर देन क्लैशिंग विद अदर एक्टर्स। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन तीसरे दिन का है 3 से 4 करोड़, मुझे पूरा यकीन है आज ये 3 करोड़ डाक जाएगा। सैटरडे है और सैटरडे को कई सारी जगह जो लॉकडाउन का सिचुएशन है वो हटा है, स्पेशली यूपी में, और इससे इस फिल्म को फायदा होगा। मुझे उम्मीद है आज कई सारी जगह जो इवनिंग शोज है स्पेशली लेट में जो नाइट शोज है वो खुले होंगे, और पब्लिक स्पेशली फैमिली ऑडियंस कोशिश करेगी जाने की और जाएगी, ये उम्मीद है। सो काइंडली सपोर्ट दिस फिल्म, दिस इज टफ टाइम दोस्तों, एंड वी ऑल नीड सपोर्ट, ऑल बॉलीवुड नीड्स टू कम टुगेदर टू सपोर्ट बेल बॉटम। बाकी जिसको बुराई करनी करे, भाड़े में जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है।